एक पहला प्रश्न है, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आपकी किताब में सूरज के अंदर सारे शब्द दिए हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, राष्ट्रभाषा, थोरा, पेट, निशा, फल, गृह, सूर्य, समीक्षा और आकार। तो हम शब्दकोश के हिसाब से पहले स्वर वाले शब्द लेंगे। स्वर आपको पता है, अ आ ई री ए ऐ ओ औ अन अ। तो हिंदी में हम लिखते हैं जब, तो पहला अनुस्वर वाला शब्द आता है, पर यहाँ कहीं भी नहीं है। यहाँ पहला शब्द है आकार, तो हम लिखेंगे आकार। फिर बाद में है गृह। क ख ग, तो गृह आया। फिर ग घ च छ ज ज ट ठ ड ध ण त ठ, तो क्या आएगा, थोड़ा। फिर ढ न, तो निशा। फिर ट ठ ड ढ न प, तो पेट। फिर फल। फिर आएगा फ प भ म य र ल व, ये शब्द आ गए, ठोड़ा, पेट, निशा, फल, गृह, आकार। बाकी है राष्ट्रभाषा, सूर्य और समीक्षा। तो यहाँ हम लिखेंगे राष्ट्रभाषा, राष्ट्र भाषा। अब दो शब्द बचे हमारे पास, सूर्य और समीक्षा। तो सूर्य में दीर्घ उ है, ये साडा है, उसके साथ कोई मात्रा लगी नहीं है, तो पहले लिखेंगे हम समीक्षा और उसके बाद लिखेंगे सूर्य। यह हुआ कक्का शब्दकोश का क्रम। अब दूसरा प्रश्न है, शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं यहाँ लिंग परिवर्तन लिखूंगी, आपको वाक्य में प्रयोग खुद करना होगा। प्रश्न दो, लिंग परिवर्तन। पहला शब्द है युवक। इसका जवाब होगा युवती, युवती नहीं पर युवती। दूसरा शब्द है पंडित। इसका जवाब होगा पंडिताइन। लिंग परिवर्तन है, जाति बदलने की है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करने का है। तीसरा शब्द है छात्र। इसका जवाब होगा छात्रा, छात्रा यानी विद्यार्थिनी, छात्र यानी विद्यार्थी। इसके बाद है अध्यापक। इसका आंसर है अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, इस तरह से उसका जवाब होगा अध्यापिका। डॉक्टर और माली, दो शब्द है डॉक्टर डॉक्टरनी। और लास्ट है माली, मालिन, माली, मालिन। दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाएगा, देखना, माली, मालिन।
दो प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन करके आपको वाक्य बनाने के हैं। पहला शब्द है मूर्ति। उनका जवाब होगा मूर्तियां। बहुवचन में मूर्तियां। दूसरा शब्द है दिशा। आंसर होगा दिशाएं। दिशाएं। कहानी। तीसरा शब्द है कहानी। जवाब होगा कहानियां। शब्द पे ध्यान देना, बहुवचन में परिवर्तित होता है तो उसकी जो हिज्जा है वो बदला जाता है। चौथा है और आखिरी गमला। गमले। गमले। मूर्ति मूर्तियां। दिशा दिशाएं। कहानी कहानियां। गमला गमले। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगी उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी में दो शब्द के आगे लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। गुजराती में उसे पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय। पूर्व मतलब आगे लगने वाला, पर यानी पीछे लगने वाला। तो हिंदी में हम उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में जानेंगे। उपसर्ग आगे लिखा जाता है और प्रत्यय पीछे लिखा जाता है। तो यहाँ हमें खाली जगह दी है तो कहीं जगह उपसर्ग लिखना है, कहीं प्रत्यय लिखना है। तो देखेंगे पहला शब्द है प्रश्न चार। उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। देखो पहला शब्द है उसमें खाली जगह, उपसर्ग की जगह खाली है देखो, और उसके बाद लिखा है प्लस करके ज्ञान, उसके बराबर शब्द बनाएंगे हम। क्या लिखेंगे उसमें? वी। यहाँ लिखेंगे वी, पूरा शब्द बनेगा विज्ञान। विज्ञान। अब दूसरा है मानव। यहाँ खाली जगह है तो क्या लिखेंगे हम? ता। ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, पूरा शब्द बनेगा मानवता। मानवता। अब तीसरा शब्द है
खाली जगह है, उपसर्ग की जगह खाली जगह है प्लस मुख। और पूरा शब्द हमें बनाना है, तो यहां हम लिखेंगे वी, विमुख शब्द बनेगा विमुख। उसके बाद चौथी खाली जगह है, उसमें उपसर्ग है और हमारे लिखना है उस प्लस हाजिर। उपसर्ग में हम लिखेंगे गैर, पूरा शब्द बनेगा गैर हाजिर। आगे देखिए समाज वट्टा खाली जगह, प्रत्यय लिखने का है हमें, समाज वट्टा खाली जगह। तो यहां लिखेंगे हम इक, पूरा शब्द बनेगा सामाजिक। फिर है कुल वट्टा खाली जगह, यहां भी प्रत्यय की खाली जगह है, कुल वट्टा कुल वट्टा इन बराबर कुलीन। अब उपसर्ग की खाली जगह है, खाली जगह बट्टा हिंसा बराबर खाली जगह। यहां हम लिखेंगे उपसर्ग में अ, पूरा शब्द बनेगा अहिंसा। लास्ट है शान वट्टा खाली जगह, शान वट्टा खाली जगह में हमें क्या लिखेंगे प्रत्यय, तो प्रत्यय आएगा दार, शानदार शब्द बनेगा शानदार। यह पुनरावर्तन एक यहाँ कंप्लीट हुआ। उपसर्ग आगे लगने वाले शब्दों को उपसर्ग और पीछे लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। पुनरावर्तन एक यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम नए टॉपिक पे जाएंगे।